चीज और पता लगी, इसकी जो बॉटल है ना साइड से फूटी हुई है। तो ये देखो भाई, अपनी गाड़ी के नए टायर। तो अभी ना ये वाले एंगल काट रहे हैं। मुझे क्या लग रहा है ना, शायद मैं आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया। बहुत बड़े ठीक है भाई, चलो जाओ। कोको गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज चुके हैं 10 और यहाँ हमने शुरू कर दिए पैकिंग, बिकॉज हमें निकलना है दिल्ली से बाहर। अभी ये पैकिंग करूंगा, फिर मैं रेडी होऊंगा। ये सारे कपड़े लेके जाने वाले हैं और ये अभी पहनने वाले हैं। क्या हुआ? और यहाँ आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट, हाफ फ्राई एंड ब्रेड। ये खाऊंगा, रेडी होऊंगा और घर से गायब हो जाऊंगा। और सबसे मेन बात पता आप लोगों को, आज हमने अपने क्रॉक्स चमका दिए हैं, एकदम देख रहे हो शाइन मार रहे हैं। क्यों चमकाया? बिकॉज मैं अभी इन्हीं को पहन के जाने वाला हूँ, साथ में शूज भी लेके जाऊंगा। लेकिन आज हमें एक काम निपटाना है। सबसे पहले जाना मेरे को नोएडा, बहुत ही ज्यादा दूर है, 1.5 घंटा जाने में लगेगा, 1.5 घंटा आने, 2 घंटे वहां लगेंगे, 5-6 घंटे का काम है। मेरे को ना इसकी स्टेपनी लगवानी है पीछे, और उसमें कुछ वेल्डिंग वेल्डिंग का भी काम है। जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा, लंबा चौड़ा काम है। तो अभी अपन निकल रहे हैं नोएडा, शाम को वापसी आएंगे। जितना सामान निकाल लिया उतना ही निकला रहने देते हैं, जितना रह गया शाम को पैक करेंगे। ड्रोन भी लेके जाने, कैमरा वैमरा, लैपटॉप शैपटॉप, बहुत सारी चीजें, सारा कुछ आगे शाम को देखेंगे। आज बहुत सारे काम है और दिन छोटा सा है, मतलब जल्दी उठ के रेडी हो गया, 10 बजे घर से निकल रहा हूँ, लेकिन तब भी दिन छोटा सा है। तो आज हमारी एक जरूरी मीटिंग भी है, इसलिए लैपटॉप भी साथ में ले लिया, एक पानी की बोतल ले लिया, रास्ता लंबा और गाड़ी की चाबी। जल्दी तुम सबका टाइम भी आएगा, तुम सबको भी चलाऊंगा बहुत जल्दी। और ये रही हमारी सुंदर सी गाड़ी, जो बिल्कुल चमक रही है, लेकिन थोड़े बहुत पत्ते वत्ते ऊपर गिर गए हैं। अभी मेरे हाथ में काफी सामान है, मैं इनको साइड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ वाइपर डाउन कर देता हूँ, कर देता हूँ इनको भी साइड। सोचो अभी तो पतझड़ नहीं है, जब पतझड़ आ जाएगा भाई पूरी गाड़ी में पत्ते ही पत्ते होंगे। और आज हम अकेले नहीं जा रहे, हमारे साथ ये डॉल भी जा रही है। इसका नाम मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या रखूं, एनाबेल रख दूं? जब तक मेरे पास है इसका नाम एनाबेल, और जब चली जाएगी फिर जिनके पास जाएगी वो अपने आप इसका नाम रख लेंगे। लेकिन बहुत ही सुंदर है यार ये। आज मैंने क्या सोचा था कि घर से ना 8:30-9 बजे निकल जाऊंगा, बिल्कुल भी जाम नहीं मिलेगा। निकलते निकलते फिर 10:30 हो गए, दुनिया भर का जाम है। एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी खराब हुई है, कुछ तो हुआ। वैसे ना अपने को आज निकलना था दिल्ली से, लेकिन ये स्टेपनी वाला काम बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए हमने डिले करके कल पे डाल दिया, कल निकलेंगे। और जब भी मैं जाम में फंसा होता हूँ ना, मेरे दिमाग में हमेशा ही आता है, जब भी घर से निकलूंगा गूगल मैप देख के निकलूंगा, जाम वाले टाइम पे घर से निकलूंगा ही नहीं, फिर घर से निकलते निकलते आलस आया था। मेरे दिमाग में फिर से ही आ रहा है कि कल मेरे को दिल्ली से निकलना है बाहर, या तो सुबह सुबह 6 बजे निकल जाऊंगा, 5-6 बजे गायब, या निकलूंगा 12-1 बजे, सारे बंदे अपने अपने ऑफिस पहुंच गए होंगे ना, फिर रोड पे जाम नहीं मिलेगा। ये सारा का सारा एरिया आप देख रहे हैं ना, ये एम्बेसी एरिया है, ये दिल्ली का बेस्ट एरिया पड़ता है, मतलब जो कहते हैं ना सबसे सुंदर एरिया। साइड में देखो कितने बढ़िया फूल, ट्री, फ्लैग्स, ये जितने भी राइट और लेफ्ट में ऑफिसेज बने हुए हैं ना, ये सब एम्बेसीज हैं, यहाँ लोग अपना वीजा लगवाने आते हैं। पहुंच गए हम लोग फाइनली, थोड़ा लेट हो गए लेकिन पहुंच गए। क्या बात है, यहाँ तो फुल स्टॉक खड़ा हुआ है गाड़ियों का। चिकाल थोड़ा लेट हो गया, अरे इतना जाम पैरा भी ठीक है पहले से, बस हमें मेन ये देखना ये इसका बाहर झेल लेगा। फिर ये है कि डाला जिप्सी का बहुत वीक है, और अब जो है ये इसी हिंजेस के ऊपर रिवर्स पे रुका हुआ है। तो ये देखो भाई, अपनी गाड़ी के नए टायर। अगर अपनी गाड़ी में टायर लग गए तो कितनी ऊंची हो जाएगी, लेकिन इसके लिए बहुत तामझाम करना पड़ेगा ना, तगड़े वाला। और फिर मेरे को लग रहा है मेरी जैसी हाइट वाले को भी ना सीढ़ियां रख के चढ़ना पड़ेगा। ये गाड़ी तैयार हो रही है, ये एसी के टायर है, और ये देखो कितनी ऊंची लग रही है। वीडियो में इतना नहीं पता लग रहा, लेकिन बहुत सही लगेगी। तो अभी ना ये वाले एंगल काट रहे हैं, ताकि जो टायर है ना हमारा पूरा फ्रेम पे सेट हो जाए। तो ये वाली पजारो देख रहे हो, ये भैया रैली में चलाते हैं, और बहुत ही सही, बाहर से भी बहुत सही बनाई हुई है और अंदर से भी बहुत सही बनाई हुई है। खुली हुई है भैया ये?
पूरी सेफ्टी के साथ, रॉड वॉड इवन हेलमेट भी भैया का अंदर ही पड़ा हुआ है। चीजें देखने में आसान लगती है ना, क्या रैप ही तो कराया, अंदर किटी तो लगाई है, लेकिन भाई कोई भी रैली खेलता है, कोई भी आप स्पोर्ट्स में पार्ट ले रहे हो ना, खर्चा बहुत ज्यादा होता है। कितना खर्चा हो गया होगा इसमें? गाड़ी कॉस्ट लगा लो, प्रिपरेशन लगा लो, पहुंच भी आराम से 13-14 लाख का बताओ। और मिलता कुछ भी नहीं है क्या आपको? अगर आप जीत भी गए, मैं कह रहा हूँ सारी रैली में फर्स्ट भी आया तो क्या मिलता है? तो जैसे आप प्राइज जीते हो, रेजर स्टॉर्म जैसी रैली या रेडियम वाले होती, तो 1 लाख रुपए प्राइज है, जिसमें 30% आपका टीडीएस कटा था, तो हाथ में आपका 70,000 रुपए, 13 लाख लगा के 70,000 रुपए हाथ में आया। वो गाड़ी तो आपने देख ली है जो रैली में चलती है, एक ये भी है जिसके अंदर टर्बो चार्ज इंजन लगा हुआ है 1600 cc, मतलब देखने में कितना ह्यूज सा लग रहा है, और अंदर से भी बहुत सही बनाई हुई है। तो ये देखो, अभी हम कूलेंट चेक करवा रहे थे, है कि नहीं है। एक चीज और पता लगी, इसकी जो बॉटल है ना साइड से फूटी हुई है, कूलेंट ना यहाँ तक दिख रहा था। अब यहाँ तक क्यों था? क्योंकि वो जहाँ से फूटी हुई है ना, यहाँ से वो हिल हिल के निकल गया होगा। अभी बॉटल भी चेंज करा लेते, पड़ी हुई अपने पास, चलो ये भी बढ़िया हो गया। कभी भी आप लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हो ना, तो आप ये कूलेंट वूलेंट चेक करा लिया करो। मैं चेक तो कूलेंट करवा रहा था, बॉटल ही टूटी हुई है, वो तो अच्छी बात है, इनके पास पड़ी हुई है, अगर नहीं होती फिर क्या करते। तो भाई टायर का स्टैंड यहाँ पर वेल्ड हो गया, और अभी जो अपनी गाड़ी में स्टैंड लगे हुए थे ना बाइक खड़ी करने के लिए, ये सारी की सारी चीजें मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, यहाँ के छोड़ के जा रहा हूँ, बिकॉज अभी इस गाड़ी में अपनी बाइक नहीं खड़ी करेंगे। अभी कोई नई गाड़ी आने का प्लान हो रहा है, अपने सब्सक्राइबर को मैंने हिंट दे भी दिया, जितने बंदे समझ जाएंगे वेल एंड गुड, नहीं समझेंगे थोड़े टाइम बाद पता लग जाएगा। उस गाड़ी के अंदर दोबारा से यही बना के देंगे मेरे को बाइक खड़ा करने के लिए स्टैंड, बन जाएगा ना इजिली। हाँ ये थोड़ा मुश्किल था, इसमें बहुत सारी टेक्निक लगानी पड़ी थी, लेकिन उसमें इतना मुश्किल नहीं होगा, बेस है तो आसान हो जाएगा। तो भाई हमेशा मैंने इस गाड़ी को चलाया है ना, आज दूर से चल के आएगी तो देखूंगा बाहर से देखने में कैसी लगती है, मतलब आप लोगों को कैसे लगती है रोड पे चलती हुई। शुक्र है लग गई ब्रेक, नहीं तो आगे खेतों में निकल जाता। अब ज्यादा बढ़िया लुक आ रहा ना टायर के साथ, और आवाज भी एक नंबर धासु। इसे कहते हैं भाई असली टेस्टिंग, मेरी करने की जरूरत ही नहीं है, अभी मैं ऐसे तो चला नहीं सकता, तो मैंने बोला आप ही करो जैसे भी करनी है। मजा आया चला के? नहीं आया? हमें भी बहुत मजे आए देखने में। चलो भाई यहाँ पर तो अपना काम खत्म हो गया, स्टेपनी लगने के ना बहुत सारे फायदे हुए हैं। पहला तो हाईवे पे टायर पंचर हो जाएगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दूसरा गाड़ी दिखने में इतनी सुंदर लगने लग गई है ना, और ज्यादा ब्रॉड ब्रॉड दिख रही है, बेचारी हमारी एनाबेल को भी चक्कर आ गया। एक्चुअली हुआ क्या था ना, मैंने भैया को बोला था अच्छे से खड्डे वड्डे स्पीड ब्रेकर गाड़ी घुमा घुमा के जैसे चलानी है चला के देख लो मजबूत है कि नहीं है ये ना, रास्ते में मेरे को दिक्कत आए, तो भैया ने गाड़ी ऐसे चलाई अच्छे से टेस्टिंग कर ली, बेचारी को चक्कर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसका जाने का टाइम भी आने वाला है। और हमेशा मैं अपनी गाड़ी का साउंड अंदर बैठ के सुनता हूँ, आज बाहर से सुना ना पता लगता है कि भाई जैसे कोई सुपर कार जा रही है, मतलब बहुत अच्छा साउंड है इसका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं पहाड़ों में घूम रहा हूँ, ऊपर पेड़ ही पेड़ है ना, पूरे की पूरी रोड पे छाया करी हुई है। और मुझे क्या लग रहा है ना, शायद मैं आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया हूँ, हमने ना अपनी गाड़ी का नाम मॉन्स्टर रख दिया है, आपने वैसे पिछले 2-3 वीडियो भी टाइटल में देख लिया होगा, सब कुछ मॉन्स्टर मॉन्स्टर हो रहा है। ये नाम मैंने क्यों रखा, बिकॉज जहाँ से भी निकलता हूँ ना लोग इसको अच्छे से देखते हैं, मतलब कोई ऐसे कहता है कोई ऐसे कहता है, गाड़ियों में से निकल निकल के देख रहे हैं, मतलब अपनी विंडो से जाग जाग के, तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे कोई मैं छोटा सा मॉन्स्टर ट्रक लेके घूम रहा हूँ, मेरे को ये नाम अच्छा लग रहा था तो मैंने रख दिया। आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि ये नाम कैसा लगा, अच्छा लगा तब भी बताना, बेकार लगा तब भी बताना। पहुंचते टाइम भाई टाइम भी नजर नहीं आ रहा, धूप इतनी तेज है, 3:23, मतलब अभी ना अपने पेट में मोटे मोटे चूहे कूद रहे हैं, तगड़ी वाली भूख लग रही है, सुबह 10 बजे नाश्ता करके निकले थे, आते आते इतना टाइम हो गया, यहीं आगे ना एक बिरयानी वाला है, वहां से बिरयानी खाते हैं, फिर देखते हैं उसके बाद जाएंगे बुआ जी के घर, ये जो इनकी एनाबेल पड़ी हुई है ना ये डिलीवर करेंगे, उसके बाद शायद जाएंगे फिजियो के लिए, घर जाके पैकिंग करेंगे, बहुत सारे काम है, ये वाली वीडियो एडिट भी करनी है। कभी कभार ऐसा लगता है दिन बहुत छोटा सा रह गया, 24 घंटे भी अपने को छोटे से लगते हैं, इतने सारे काम होते हैं, और कभी कभार लगता है कुछ करने को ही नहीं है, सारा दिन वेले बैठे रहते हैं। शुक्रिया मेरे भाई। ओ हो, ये आ गई भाई अपनी बिरयानी,
बिरयानी खाते खाते जो इरिटेटिंग पार्ट लगता है ना, वो होता है ये जो दाल चीनी इलायची मिर्ची विर्ची साइड करनी होती है ना, ये इसको उठा के साइड में रखते रहो फिर खाते रहो। हमें हमारे फैमिली के मेंबर मिले, कैसे पहचाना? पहचाने की जरूरत नहीं है, जस्ट नहीं फिर भी बाहर से एकदम से निकलते जिप्सी, आपकी जिप्सी जैसे ही दिखी। चलो अब हम कह सकते हैं ना हमारी जिप्सी मशहूर हो गई है। थैंक यू थैंक यू। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सही है। और सब घर पे ठीक? एक नंबर। पिछली बार ना भैया ने सौंफ ज्यादा दे दी थी, इसलिए मैंने जान के बोली कम मंगाई है, फेंक नहीं ना पड़े, बस खाई जाए। कसम से कह रहा हूँ बिरयानी खाते खाते ना कम से कम 10 सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, सबको तो वीडियो में डाल नहीं पाया, गंदे हाथ थे ना, फिर वो बार बार मोबाइल पे गंदे हाथ लगते हैं, कैमरे पे गंदे हाथ लगते हैं। अच्छा लगता है ऐसे कि बंदे पहचान लेते हैं, अभी मेरे को तो नहीं हमारी गाड़ी को पहचान रहे हैं। लाल रंग की जिप्सी जो घूम रही है वो हमारी है, और बहुत शानदार जो भी मिलता है ना वो कहता भाई जिप्सी एक नंबर लग रही है भाई। चलो भाई फाइनली है ना, वेल आपका जाने का टाइम आ गया, लेट्स गो। ये साथ में बैठी थी ना, मेरे को सही में ऐसा लग रहा था सुबह से कोई बंदा लेके घूम रहा हूँ मैं, बंदा नहीं सॉरी बंदी। एक दिन के लिफ्ट में ये जो आवाज आती रहती ना डरावनी सी। मैं कहीं काम से गया हुआ था, मैं कहीं गया हुआ था। इसका नाम ना बुआ जी, मैंने एनाबेल रखा था, मतलब दो दिन मेरे पास थी एनाबेल तो, लेकिन ठीक है आप इसका जो मर्जी नाम रख लेना। और अभी प्रिया और तो सारे गए हैं घूमने, सो द टाइम इज 4:54। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट फिजियो के लिए, प्रिया और अंकित घर पे नहीं थे, वो गए हैं शॉपिंग करने के लिए, तो बुआ जी घर पे थे, आधा एक घंटा बैठे बहुत सारी बातें बातें करी, अभी चलते हैं यहाँ से। क्या बजती रहती है, इसका बजना बंद करवाया यार अंकित। यार मुझे ना कोको के लिए ये सही लग रहा है, आई बताता हूँ क्यों, पहले एक बार रेट पूछता हूँ कितने का मिलेगा। ये सही चीज है, इसका मुक्का मारो ये फिर खड़ा हो जाता है, वही है ना, ये नीचे गिराओ फिर खड़ा हो जाएगा। तो भाई हमने देखा वो बड़े वाला था लिया, लेकिन ये छोटे वाला है। सीन क्या है ना, ये जो मटेरियल है ना ये मेरे को लग रहा है कोको फाड़ देगा, और इस पे दांत लगते ही हवा निकल जाएगी, तो देखता हूँ कोको खेलेगा तो बड़े वाला ले जाएंगे। और ये भी यही चीज है, इसको गिराओगे ये फिर खड़ा हो जाएगा। तो यार अभी एक छोटा सा सीन हो गया, एक्चुअली मैंने परविता मैम को फोन किया था फिजियो के लिए कि मैं थोड़ा लेट आऊंगा, लेकिन मैम कह रही हम तो मसूरी आए हुए घूमने के लिए, तो आज फिजियो हमारी कैंसिल। तो अभी अपने को पैकिंग का भी टाइम मिल जाएगा, एडिटिंग का भी टाइम मिल जाएगा, एक छोटा सा काम मेरे दिमाग में और आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ वो वाला करवा लूँ। मेरे दिमाग में क्या आ रहा है ना, जो ये वाला एरिया ना यहाँ पर मेरे को एक स्टिकर लगवाना है, देखता हूँ अगर अभी लग जाएगा तो लगवाते जाएंगे। चलो भाई अपना स्टिकर वाला काम तो हो रहा है, एक काम मेरे को और याद आ गया, वहाँ कॉर्नर पे ना मैं एक स्क्रीन लगवा रहा हूँ और पीछे लगवा रहा हूँ सेंसर। चलो इसको बैक करते टाइम ना पता लगता गाड़ी कितनी दूर है, रुकने का डर होता है, इसे सेंसर होंगे ना कम से कम वो टू 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 करेंगे तो पता तो लग जाएगा ना कि भाई रुकने का टाइम आ गया है। चार सेंसर लगेंगे इसमें, एक यहाँ एक वहाँ, बीच में एक वहाँ, और ये देखो ये अपने दोस्त पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, और पूछ देखो कैसे हिल रही है यहाँ देखियो। अरे ये तो रहा यार, एक ही हाल लगा मेरे को, तो लगा था प्लास्टिक है, ये पता लगा लोहा है ये। कभी कभार होता है ना आप सोचते हो ये काम भी करा लो ये काम भी करा लो, लेकिन कुछ काम पॉसिबल ही नहीं होते, आपके हाथ में ही नहीं होते। पीछे का जो बम्पर है ना वो लोहे का है, अभी उनके पास ड्रिल मशीन नहीं है, तो ये काम हम बाद में देख लेंगे फिर कभी, अभी स्टीकर बनवा लेते, स्टीकर बनेगा आगे एक दुकान है वहां से। तो अपने को एक हार्डवेयर की शॉप दिखी, दो तीन सामान वहां से भी लेने थे, कपड़े टांगने वाला हैंगर, एक छोटा सा ताला लेना था, ताला किस लिए लेना, ताला अपने को लगाना है यहाँ पर, अभी हो गया ना एकदम सही। स्टीकर तो बहुत सारे हैं आपके पास, बाद में काम आएंगे ये, अभी मेरे को ना कि ये स्टीकर अच्छा लग रहा है ये वाला। इस स्टीकर का मतलब है आने वाले टाइम में हमारे पास पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही। तो ये वाला स्टीकर लगाने का मेन रीजन क्या है ना, ओ भाई पीछे बादल कितने बढ़िया लग रहे हैं बैक मिरर में, एकदम से मेरा ध्यान गया ऑरेंज ऑरेंज। हाँ तो ये स्टिकर लगाने का मेन रीजन क्या है, जब मैं ऐसे वाइड एंगल में वीडियो बनाऊंगा ना, अभी देखो लग रहा है ना बढ़िया, रोड भी नजर आ रही है, जिप्सी का फ्रंट भी नजर आ रहा है, साथ में जट प्रभजोत भी नजर आ रहा है, एक नंबर भाई। तो भाई अब निकल गए हम घर को, जाके पैकिंग भी करनी है, वीडियो एडिट भी करनी है, दो चार काम और है वो निपटाएंगे, मस्त हो जाएंगे और सुबह सुबह उठ के गायब हो जाएंगे। खुल जाओ सिम सिम, तीसरी बारी बोला तब जाके खुली है, दो बारी गलत टाइमिंग हो गई थी। और अभी अभी ना मेरे को एक चीज इसमें और पता लगी, इसके अंदर ना ये भी बजता है मुंह को बजाने से, मुंह को बजाने से ज्यादा बजता है। कोको मेरे दोस्त, आज तो मेरे को कोई भी नहीं, आज भी मेरे को डॉगी मिले थे उनसे मिलकर आया। अच्छा ये मेरे हाथ में देख रहा है ये क्या चीज है, ले पहले सूंघ ले। हाँ पहले सूंघ ले अच्छे से, अब मेरे को कहाँ सूंघ रहा है, ये ले ये देखिए क्या करेगा अब। अबे छोड़ तो सही, ओ
भाई या भाई अब मजा, मेरे को लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा इसको, फिर खेलना शुरू कर देगा इसके साथ। थोड़ा पीछे हो, पहले पीछे हो। ठीक है भाई, चलो ठीक है, इसको पसंद आ गया ना, अब ठीक है। ले गया। तो भाई अभी अपने को अपना ड्रोन व्रोन निकालना है। अभी क्या है ना, सारी चीजें एक्यूरेट अपनी अपनी जगह पे पड़ी है, तो मेरे को पता है कौन सा सामान कहाँ पड़ा हुआ है। वहाँ कॉर्नर पे पड़ा है हमारा ड्रोन। ये देखो, ये आ गया ड्रोन का रिमोट, ये आ गया हमारा ड्रोन। तो भाई ड्रोन का रिमोट तो पूरा चार्ज है, चारों लाइटें जल रही है, जो बैटरी है ना ये थोड़ी थोड़ी चार्ज है। ये देखो एक एक पॉइंट, तो इनको चार्जिंग पे लगाए थे आराम से ये भी चार्ज हो जाएंगी। भाई क्या हो गया तेरे को? इसमें ना बीच बीच में ऐसे आत्मा आ जाती है, ये देखो। पूरा घर नाप है। क्या हुआ है? क्या हुआ है कोको, क्या हुआ है? तो ठीक है भाई, सारा सामान हमारा पैक हो चुका है। आई थिंक ड्रोन की बैटरी भी चार्ज हो चुकी है। अच्छा, खाली बीच वाली रहती है, वो भी चार्ज हो जाएगी। कोको को भी सारा सामान पैक कर लिया है, बस ये लैपटॉप पे वीडियो एडिट करनी है। लैपटॉप को इसमें रखना है, ड्रोन को इसमें रखना है, सैनिटरी बैग रखना है, कपड़े वपड़े डाल दिए और उसके बाद गायब हो जाना है। और भाई सोने को नहीं बोला, सोने को बोला। क्या करने को बोला? सोने को बोला। तो ठीक है यार, इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको मजा होगा, यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया, लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट करना वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और हमारी जिप्सी कैसी लग रही है, जिप्सी का नाम कैसा लग रहा है, जो भी बन करे ना कुछ कमेंट करके जाकर। मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बाय 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 बोलो, बाय बाय बोलो, पहले बाय बाय, पहले बाय बाय, फिर खेलेंगे। इधर वो देखो, कौन है, कौन वहां? नहीं, यहाँ कौन है? इसको बोलो ना कौन है, ये सीधे दरवाजा देखने लग जाता, इसको लगता है कोई आया है, फटाफट से देख कर आना। चलो बाय बाय, इसकी तरफ से बाय बाय, मेरी तरफ से बाय बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब, ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने, दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।